back to my channel. Pooja is here. I hope you all are doing very well. So friends, today I am making mutter mushroom. Mushroom, mutter. So for mushroom mutter, I am taking clean mushroom. It means कि आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर मशरूम. मशरूम को मैंने पहले नॉर्मल पानी से धो लिया है काटने के बाद. उसके बाद मैंने इसको हल्के से गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डाल के धुल लिया है और इस तरह से क्लीन कर लिया है फ्रेंड्स. मटर हम ले लेंगे एक पाव, इसको भी मैंने धुल लिया है. इसके अलावा हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी. इसके अलावा मुझे चाहिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट. आज मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ इस मटर मशरूम में फ्रेंड्स. कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, जिस कुकिंग ऑयल में आप खाते हैं नारियल के, या फिर ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल. मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स. ये 2 बड़े साइज का जो प्याज है उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है. इसके अलावा गरम मसाला चाहिए 2 छोटे चम्मच. इसके अलावा मैं लूंगी 2 कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी, चुटकी भर हींग, धनिया पाउडर, नमक, कुटे हुए मसाले. इसमें जीरा है, काली मिर्च है और इसमें एक लौंग है और दालचीनी है फ्रेंड्स. इसके अलावा तेज पत्ता चाहिए फ्रेंड्स. इसके अलावा मैं गार्निशिंग के लिए हरी धनिया लूंगी. सो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसा बनता है आज का ये मटर मशरूम. और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स ना भूलें. दोस्तों, मैंने पैन गरम कर लिया है. अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ. कुकिंग ऑयल गरम होने देंगे एक सेकेंड के लिए. फ्रेंड्स, इसमें मैं कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ इसकी भी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स दे दूँगी. तेल गरम हो गया है फ्रेंड्स. अब ये मशरूम मैं फ्राई कर लूँगी. लॉकडाउन में ये ज़रूर बनाएं. बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी रेसिपी है फ्रेंड्स. इसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर रोटी के साथ, राइस के साथ खा सकते हैं. अब मैं इसको फ्राई करूँगी. ये देखिए फ्रेंड्स, मशरूम फ्राई हो गई है और अंदर तक तेल एब्जॉर्ब हो गया है. तो देखिए, इसके बाद इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा. अब चलते हैं मसाला बनाने के लिए. तेल गरम है दोस्तों. अब मैं इसमें तेज पत्ता डाल रही हूँ, कटी हुई 2 हरी मिर्च है वो डाल रही हूँ, कूटे हुए मसाले डाल रही हूँ, इन सब को थोड़ा सा लाल होने तक मैं फ्राई करूँगी. इनको अच्छे से मैं मिला लूँगी. देखिए दोस्तों, ये अच्छा सा कलर आ गया है. अब मैं इसमें धुले हुए मटर डाल दूँगी और इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी. और कुछ देर मटर गल जाए इसके लिए मैं ढक दूँगी. दोस्तों, मटर हमारा फ्राई हो गया है.
एक अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने प्याज पीसा था ग्राइंडर में वो डाल रही हूँ। तो मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज गल जाए इसलिए नमक मैं अभी डाल दूंगी दोस्तों। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जैसा भी नमक आप खाते हो कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग आप नमक यूज़ करें। मैंने इसमें एक चम्मच नमक का यूज़ किया है दोस्तों। अब मैं इन सब को 2 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए। दोस्तों देखते हैं प्याज हमारा फ्राई हो गया है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है दोस्तों। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। लाल मिर्च हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अभी वर्कआउट बहुत कम है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हम इसमें हरी मिर्च का यूज़ करेंगे दोस्तों। आप भी एक बार हरी मिर्च में इसको बना के देखें, बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं ये हमारा अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट अच्छे से फ्राई हुआ या नहीं। दोस्तों इसमें तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें टमाटर की जो प्यूरी मैंने तैयार की थी, 2 मीडियम साइज के जो मैंने टमाटर पीसे थे वो डाल रही हूँ। इन सबको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और कुछ समय के लिए मिक्स करने के बाद मैं इसको कुछ समय के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी पका लूंगी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। हरी मिर्च में बना रही हूँ ये सब्जी दोस्तों। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। मैं इसमें हल्दी डालूंगी, चुटकी भर हींग डालूंगी और धनिया पाउडर डालूंगी दोस्तों। इन सब चीज़ों को मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। सबको मैं 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब मैं इसमें गरम मसाला डालने जा रही हूँ। ये जो गरम मसाला है इसको मैंने घर पे ही तैयार किया है और मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बाज़ार से भी बाज़ार का भी आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसको भी कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी मैं। सो फ्रेंड्स ये पूरा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, इसमें तेल भी छूट गया है। अब मैं इसमें मशरूम डाल दूँगी। ये देखिए आप बिना लाल मिर्च के ही कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना टेस्टी सा कलर इसमें आ गया है दोस्तों। अब मैं इसमें मशरूम डाल दूंगी।
मशरूम डाल के भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए निकालूँगी। फ्रेंड्स आप देखिए ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब मैं ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मैं ग्रेवी तैयार करने के लिए इसको 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी। दोस्तों फ्रेंड्स देखते हैं कलर आने लगा है, ग्रेवी तैयार हो रही है। 2 मिनट और चाहिए। मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ती मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। तो 2 मिनट इसको और पका लेते हैं। मटर मशरूम रेडी हो गई है दोस्तों, चलिए हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ धनिया पत्ती से। प्याज की स्लाइसेस से यानी अनियन की स्लाइसेस मैंने काट लिए थे। नाउ इट्स रेडी फॉर सर्व। सो फ्रेंड्स ये मेरा डिलीशियस सा टेस्टी सा मटर मशरूम रेडी हो गया है। अब मैं इसको खा के दिखा रही हूँ, देख लेती हूँ कि खाने में कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैंने बिल्कुल भी लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है, इसके बाद भी ये बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर फ्रेंड ट्राई करें। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, पूड़ी के साथ, राइस के साथ खाएं, ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है लंच के लिए, डिनर के लिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया हो, आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स ना भूलें। इसके अलावा आप बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट अपडेट्स मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, टेक।